बसपा में होगी युवाओं की आधी हिस्सेदारी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने युवाओं पर दाव लगाना शुरू कर दिया है और पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का फैसला लिया है। लखनऊ में आयोजित बैठक में मायावती ने नेताओं को इस बात का मैसेज दिया कि पार्टी में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भाईचारा कमेटी युवाओं को जोड़ने पर फोकस करेगी। ब्राह्मण, वैश्य, कुर्मी और मुस्लिम सहित सभी जाति धर्म के भाईचारा कमेटी का गठन शुरू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने के बाद बहन मायावती ने पार्टी में नई बनावट शुरू कर दी है। इसमें कई बड़े नेताओं को पद से हटाने और नए नेताओं को जिम्मेदारी देने तक शामिल है। लखनऊ में हुई पहली बैठक में मायावती ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर संकेत दिया था। इसका मुख्य कारण आकाश आनंद को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मायावती आकाश आनंद को युवाओं का एक बड़ा चेहरा मान रही है और उसी के आधार पर युवाओं को पार्टी में जोड़ने की अपील की है। सभी क्षेत्र से बीएसपी ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर के बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है। युवाओं में हर वर्ग के लोग होंगे। कहा जा रहा है कि मायावती का पहला फोकस विधानसभा चुनाव में सफलता पाने का है और उसके बाद 2022 का विधानसभा का चुनाव है। युवाओं को जोड़ने का फैसला विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।